दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि हमारे देश के प्रधान को आखिर कितनी सैलरी मिलती है। जिस तरह से हमारी सैलरी स्लिप होती है, क्या उसी तरह से देश के प्रधान की भी सैलरी स्लिप होती है? क्या उन्हें भी बेसिक सैलरी के अलावा डीए मेडिकल इस तरह के अलाउंसेस मिलते हैं? देश के प्रधान और उन्हें दिए जाने वाली सुविधाओं का खर्चा आखिर होता कितना है? इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सारी बातें ठीक से जान जाए, और नई नई ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में भारतीय संसद को पंतप्रधान के वेतन और उससे जुड़े खर्चों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है, जिसे टाइम टू टाइम रिन्यू या अपडेट किया जाता है। सन 2010 में प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे हम आम भाषा में पीएमओ कहते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया था कि पंतप्रधान को कोई फॉर्मल सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि मंथली अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसे हम आम भाषा में भत्ता कहते हैं। उसी साल द इकोनॉमिस्ट ने यह रिपोर्ट पेश की थी कि ट्रिपल पी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रधानमंत्री की सैलरी तय होती है, जिसमें देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को भी ध्यान में लिया जाता है। इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की एक महीने की सैलरी तकरीबन 1,60,000 रुपए है। यहाँ एक चीज दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री को इस सैलरी पे कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। इस 1,60,000 में 50,000 रुपए बेसिक सैलरी है, एक्सपेंडिचर अलाउंस 3,000 रुपए और 2,000 रुपए पर डे अदर अलाउंस इसे जोड़ दिया जाए तो 60,000 रुपए प्रति महीना हो जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते प्रधानमंत्री को 45,000 रुपए महीना अलग से मिल जाता है। इस तरह से प्रधानमंत्री की सैलरी लगभग 1,60,000 रुपए होती है। अभी जानते हैं प्रधानमंत्री को दिए जाने वाली सुविधा, सुरक्षा और उनसे जुड़े खर्चों के बारे में। बात करते हैं प्रधानमंत्री के सुरक्षा की। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG यानी स्पेशल फोर्स के जिम्मे होती है। यूनियन बजट 2020 में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए SPG पर जो बजट निर्धारित किया गया है वो तकरीबन 600 करोड़ रुपए है। मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर एक दिन के 1.6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस हिसाब से SPG सुरक्षा का खर्चा 6.75 लाख रुपीस एक घंटे का और 11,263 रुपए एक मिनट के होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी यात्राओं के मामले में भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री की इस देशी और विदेशी यात्राओं में उनकी सुरक्षा के लिए SPG गार्ड भी उनके साथ चलते हैं। इस तरह भारत सरकार को इसका अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास की। 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसे पहले 7 रेस कोर्स रोड कहते थे, ये प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान है। वैसे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का निवास स्थान 3 मूर्ति भवन था, लेकिन राजीव गांधी ने 7 रेस कोर्स रोड को अपना आवास चुना था, जिसके बाद सभी प्राइम मिनिस्टर ने वही रहना पसंद किया। हालांकि 7 रेस कोर्स रोड और 3 मूर्ति भवन को छोड़ दिया जाए तो और भी ऐसी जगह हैं जहां भारत के प्रधानमंत्री रुके हैं, जिसमें इंदिरा गांधी का निवास है जो एक सफरदंजगंज रोड है। वही लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनपद को अपना निवास स्थान बनाया था। ट्रैवल की बात करें तो ज़मीनी आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री हाईली मॉडिफाइड आर्मर्ड बुलेट प्रूफ रेंज रोवर सेंटिनल का प्रयोग करते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, उसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। PM के काफिले में कम से कम 3 आर्मर्ड BMW 7 सीरीज सेडान, 2 रेंज रोवर सेंटिनल, कम से कम 8 से 10 BMW X5, 6 टोयोटा फॉर्चुनर या लैंड क्रूजर और 2 मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर एम्बुलेंस होती है। इनमें से रेंज रोवर सेंटिनल की कीमत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए, BMW 7 सीरीज आर्मर्ड की कीमत 2.5 करोड़ रुपए, BMW X5 की कीमत 85 लाख रुपए, फॉर्चुनर जो 35 लाख में आ जाती है, लैंड क्रूजर 1 से 2.5 करोड़ रुपए, मर्सिडीज एम्बुलेंस जिसकी कीमत 7,928 US डॉलर्स है।
हवाई यात्रा के लिए प्राइम मिनिस्टर बोइंग 777-300ER का प्रयोग करते हैं, जिसे एयर इंडिया वन कहते हैं। एयर इंडिया वन का रख रखाव भारतीय एयरफोर्स के जिम्मे होता है। एयर इंडिया वन बोइंग कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। इस एयरक्राफ्ट में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा होता है। पहली बार किसी भारतीय एयरक्राफ्ट में SPS यानी सेल्फ प्रोटेक्शन साइट्स का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार को जैम किया जा सकता है। साथ ही ये हीट सीकिंग मिसाइल की भी गति डाइवर्ट करने में सक्षम है। ये एयरक्राफ्ट ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से बचने में माहिर है। एयर इंडिया वन की कीमत लगभग 14 बिलियन US डॉलर है और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 7,380 US डॉलर पर आवर है। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसे हम आम भाषा में PMO कहते हैं, प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यस्थल है।